खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 67 में सिवरेज का पानी सड़क पर फैला हुआ है। 3 दिन से निगम कर्मचारी सिवरेज लाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्षद मोहम्मद अयूब ने भी सुपर जेटिंग मशीन मंगवाई है, लेकिन सिवरेज लाइन सही नहीं हुई है। बता दें कि मुख्य सड़क होने के कारण लोगों को आने जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। परेशान 3 दिन से हो रही है सर, बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। हमारी दुकान भी है, 3 दिन से हमारा भी काम नहीं लग रहा। माननीय वार्ड मेंबर साहब यहाँ आए थे और माननीय विधायक साहब भी यहाँ आए थे, उनका आभार व्यक्त करते हैं हम। और मशीनें भी आई हुई थी, नगर निगम के अधिकारी भी आए हुए थे। बाकी क्या है, ये रोड जब बना, जब थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो नीचे सीमेंट वगैरह चली गई, उससे जाम हो गया। तो अब काम चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है। आज का वादा है कि वो पानी रोका जाएगा पीछे से, फिर आगे आदमी नीचे उतरेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, जब जाके पानी सही होगा। 4-5 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, दुकान भी नहीं खोल रहे हैं इस वजह से कि रोड पे पूरा पानी बाहर बह रहा है। और 4-5 दिन से बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, सही भी कर रही है, लेकिन सही हो ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो कह रहे हैं वाटर प्रूफ, वो हमारे को बंगियों को वाटर प्रूफ वो भेज दी जाती है, उससे उसके अंदर उतरे वो 80 हज़ार या 60 हज़ार की आती है। वो कह रहे हैं हमारे को दी नहीं जा रही, हम परेशान हो रहे हैं। और ये रोड पूरा पानी बहा रहा है, देखो आप चाहे इधर चल के।